जब प्लांट को हम छोटी साइज में बना रहे हैं ऐसे बोनसाई प्लांट, तो वहाँ अनबैलेंस काफ़ी दिखने को मिलता है, जो कि हमें समय समय पे निकालना होता है। ये देखिए, इस तरह से भी कुछ हो जाता है किसी वजह से, और सकर ब्रांच निकलने लगती है। देखिए, ये बोलते हैं दोस्तों सकर ब्रांच, इसी ब्रांच जब वो काम की नहीं है और अनचाही जगह से निकलती है और पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है, उसे कहते हैं सकर ब्रांच। तो ब्रांचों के भी ट्राइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सब मिला के, बट इस तरह जो ग्रोथ हो जाता है सीजन में उसको हटा देना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते तो कहीं हमें डाईबैक देखने को मिल जाएगा कहीं पर, और जो ब्रांचिंग हमें चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो सीजर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ब्रांचें मिली है हमें, तो छोटे छोटे अगर बोनसाई भी बनाते हैं तो बेहतर है दोस्तों। आज के टाइम में यही आपका सच्चा साथी बन सकता है। एक ऐसा ये पेट की तरह है, यानी पालतू है हमारा, कि वो कचरा नहीं पैदा होने देता ज़्यादा, यानी मल मूत्र नहीं त्याग करता। तो उन जानवरों से तो अच्छा है ये पेड़ पौधे, कि जिससे हम हमें मन की शांति भी मिले, कोई ज़्यादा रख रखाव भी नहीं है, केवल पानी देते रहे, ट्रिमिंग करते रहे। तो एक पेट की तरह हम इस प्लांट को हम ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से रेगुलर काम करते रहना है और अपना प्लांट सेफ में रहेगा। ये बहुत ही कम समय में तैयार हुआ है, छोटा सा प्लांट है और बहुत अच्छा कैरेक्टर में है। तो उसको अगर फाइनल पॉट भी दे देते हैं, कोई ट्रे वगैरह लैंडस्केप बना के, तो बढ़िया सा लुक दे सकता है। तो धीरे धीरे ये तैयार होता रहा, और टाइम टाइम पर ट्रिमिंग वगैरह ज़रूरी है, तब कहीं जाके हमारा प्लांट बढ़िया सा दिखेगा दोस्तों। आपको कहीं आगे नहीं जाना है तो ठीक है, कुछ प्लांट को लेकर ही काम करते रहिए। आपके पास जो अवेलेबल है दोस्तों, वेराइटी के पीछे मत भागे, जो भी अवेलेबल है उसी से काम चलाए। हमारे यहाँ के जो लोकल प्लांट है, कुछ नर्सरी विजिट कीजिए, छोटे पत्तों वाले बहुत ही बढ़िया मिल जाएंगे। ब्राया अगर मिलता है, कार्मोना तो मिल ही जाता है, या कुछ भी मिल जाए, बोगनविलिया का बढ़िया सा कटिंग, या बढ़िया बड़ा प्लांट भी अगर जिस जहां बोनसाई नहीं बनाते, इसी नर्सरी में बड़े बड़े बोगनवेलिया के प्लांट मिल जाते हैं दोस्तों बहुत ही सस्ते में। तो वो लाके उसको बढ़िया तरीके से अनवांटेड ब्रांचें लाके निकाल के आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और इसी तरह मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।